अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाम की सिंधी बिरयानी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसे शान के पैकेट के मसाले से बना रहे हैं। तो चलिए इसे किस तरह बनाना है देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही ली है, शान के सिंधी बिरयानी की एक पैकेट ली है। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हम इसे दही में डालेंगे। हमने सिंधी बिरयानी के पैकेट को खोल लिया है, हम इसे दही में और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। चलिए अब हम सिंधी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैन में आधा कप तेल डाला है। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलूओं को छीलकर और बीच में से इस तरह से कट कर लिया है, और इसे 10 मिनट पहले हमने ऑरेंज फूड कलर में भिगोकर रखा था। ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। हम आलूओं को दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हमारे आलू दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम कुछ साबित मसाले डालेंगे। यहाँ पर हमने 8-10 काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 4-5 हमने हरी इलायची ली है। हम इसे तेल में डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारे मसाले तड़क गए हैं, हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। हमने चिकन यहाँ पर 750 ग्राम ली है। चिकन डाल के हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। हमने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चों को भी हमने इस तरह कट कर लिया है। हम टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को फ्राई कर लिया था, इसे भी हम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्राई ऑनियन की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से फ्राई करना बताया है, आप उसे जरूर देखिए। हमने जो दही, अदरक, लहसुन और बिरयानी के मसालों का पेस्ट बनाया था हम वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी प्याली में जो मसाले लगे हुए थे हमने उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है और इसे भी डाल देंगे। हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, हम चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारी ग्रेवी भी अच्छी से पक रही है। हम इसके अंदर हमने जो आलूओं को फ्राई किया था वो डालेंगे। यहाँ पर हम मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब हम चावलों की तैयारी कर लेंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर हमने 4 लीटर पानी लिया है। हम इसके अंदर 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे।
1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे। पानी में एक बॉईल आएगा तो हम इसके अंदर चावल डालेंगे। हमारे पानी में बॉईल आ गया है, हम इसके अंदर चावल डालेंगे। यहाँ पर हमने 750 ग्राम बासमती चावल लिए हैं और इसे आधा घंटा पहले हमने धोकर भिगो के रखा था। हम चावल डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे। हम इसे खुला ही पकाएंगे जब तक इसमें एक कनी बाकी ना रह जाए। देखिए हमारे चावल पक चुके हैं। हम इसे इस तरह से तोड़ के देखेंगे, इसमें सिर्फ एक कनी बाकी है। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। हमने चावलों को छान लिया है, अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। जिस बर्तन में हम बिरयानी बनाने वाले हैं उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। हमने चावलों की लेयर डाल दी है, अब हम इसके ऊपर चिकन की लेयर डालेंगे। हमने चिकन की लेयर लगा दी है, हम इसके ऊपर टमाटर, नींबू, हरा धनिया और थोड़े से पुदीने की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह कट कर लिया था, एक नींबू को भी हमने इस तरह स्लाइस कट करा है, एक मुट्ठी हरा धनिया है, थोड़ा से पुदीने हैं, एक ब्राउन प्याज है, 2 हरी मिर्चों को हमने इस तरह से काट लिया है। हम इसके ऊपर टमाटर की लेयर लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। नींबू के स्लाइस रखेंगे। पुदीना डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। ब्राउन प्याज। अब हम इसी तरह और एक लेयर लगा लेंगे। हमने चावलों की 2 लेयर बना ली है। हम इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। इसी के ऊपर हम टमाटर के स्लाइस डालेंगे। हम इसके ऊपर 1/4 कप के करीब ऑयल डालेंगे। हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, आप चाहे तो इसे कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। हमने इसे फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। हम गैस के ऊपर एक तवा रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारी पतीली अच्छी तरह गर्म हो जाए। इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी बिरयानी के चावल कितने खिले खिले हैं और इसमें बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
देखिए बहुत ही जबरदस्त सी और टेस्टी मजेदार सी हमारी शान की सिंधी बिरयानी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमने शान की बॉम्बे बिरयानी भी बनाई है, आप उसे भी जरूर देखिए। ये भी बहुत ही मजेदार सी बिरयानी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।